वहां तक पहुंचे ही नहीं, और मेरा तो मानना है कठिन वही काम लगता है जिसको आप शुरू नहीं करते। अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो चैलेंज कर रहा हूं, वो काम हो ही नहीं सकता कि टफ। अरे थिंग इज दैट हाउ आई विल स्टार्ट दोस्ती, अरे स्टार्ट हमने करना, लाइफ हमारा है, अभी करेंगे तो होने वाला है। नोबडी कैन अदर डू फॉर यू, कोई कहीं नहीं साहब गलत करनी है, सोच छोड़ दी दैट। सो द थिंग इज दैट हम यहाँ से सिर्फ एक पैटर्न सीखे कि हाउ वी कैन राइट आर आइडिया, सबसे पहले ये होना चाहिए हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आर आइडिया इन फ्रंट ऑफ दी मेंबर्स ऑफ आईपीआर कमेटी, वो होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बट होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, एज पर हमारे इंडियन आईपीआर एक्ट 2016 7 टाइप्स ऑफ पेटेंट्स यू कैन फाइल, अभी 9 हो गए हैं, 2 और बढ़ गए, वो बताऊंगा, पर इसमें सब कुछ दिखा दें तो मेरे बोलने का मतलब खत्म हो जाता है। कोई कह रहे एआई का जमाना है, एआई ये है, आईक्यू ये है, अभी आईक्यू डालेंगे तब वो ट्रक्स आएगा, खाने का मतलब अचार के साथ ही आएगा, अचार नहीं डाल सकता ये, ठीक है ना, काय को दस। सो पेटेंट्स आपका फोन आया तब मैंने सोचा कि आईक्यू को हाँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि वो मेरा जितना आपने सोचा था उतना ही पहले सोचा होगा कल तक, बट दस सर को बोला तो सोचा कि यार अब तो एक्सपर्ट बन के जा रहे हो तो कुछ तो ज्यादा करना पड़ेगा। घर गए श्रीमती को बोला खाना रेडी करो, खाऊंगा लेकिन जब तक पीपीटी तैयार नहीं तब तक नहीं खाऊंगा। बट इनको यस बोलने के पीछे एक रीजन था, वो क्या, हाउ वी कैन रजिस्टर आईपीआर, तो इस आईपीआर को पहले उल्टा दे, इधर आपके पास सभी के पास ही पेपर होना चाहिए, हमने बोला तो शायद हमने सबको ये पेपर जरूर दे दिया। अब जो भी आपको लगा इवन योर हेयर स्टाइल इज यूनिक यू जस्ट राइट माय हेयर स्टाइल इज यूनिक यू कैन फाइंड इट समबडी एल्स आई वांट यू हैव इट दिस समझ गया ना, अभी आ जाएगा कौन कर, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद में आता है बात सेकंड पॉइंट दैट इज रिलेटेड कैसे होगी,
बाकी सारी चीजें तो वेबसाइट में काम की बात बता दी और आपके मन से बेहतर निकाल दी। बिल्कुल विकास सर आ जाओ कहाँ है अच्छा एक मिनट खड़ा और आईआईसी की एक्टिविटी है ठीक है बाकी फॉर्मेलिटीज हो जाएगी सबको पेपर